नमस्कार, मैं हूं आपका भाई किशोर। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 18वीं किस्त की राशि 5 अक्टूबर 2024 को ही भारत के सभी किसानों को मिल गई है। अब इन सभी किसानों को 19वीं किस्त की इंतजार है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 19वीं किस्त की जो अपडेट आई है कि कौन सा डेट में आप सभी के बैंक खाता में 19वीं किस्त की राशि इस योजना के अंतर्गत आने वाली है। यदि आप 19वीं किस्त का अपडेट को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। साथ ही हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि 19वीं किस्त की राशि किनको मिलेंगे किनको नहीं मिलेंगे, डिटेल्स में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी को जाने वाले। यदि आप पीएम किसान योजना का नया अप्लाई किए हैं और आपका अप्लाई रिजेक्ट हो गया है तो अब आपको क्या करना चाहिए, इस टॉपिक पे भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जिसमें हमें जानना है कि पीएम किसान योजना का अपडेट क्या है 19वीं किस्त को लेकर, इसके लिए पीएम किसान लिख के सर्च करना है क्रोम को ओपन करने के, एंड यहां पे पहली वेबसाइट आपको नजर आ जाएगा जिसमें आपको क्लिक कर लेना है। पीएम किसान योजना से संबंधित हर एक अपडेट्स को, हर एक सर्विस को आप यहीं से ले सकते हैं एंड देख सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं पीएम किसान योजना का 18वीं किस्त का जो अपडेट है, यानी वो जो पैसे मिला था 5 अक्टूबर 2024 को पीएम किसान योजना के अंतर्गत 18वीं किस्त की राशि दिया गया था। लेकिन अब 19वीं किस्त की राशि आपको कब मिलेंगे ये जानने के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल्स में यहीं पे देखना होगा, आपको आंसर यहीं पे मिल जाएंगे। यहां पर आपको देख रहा होगा इसी वेबसाइट में पीएम किसान योजना सम्मान निधि का ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसी में आपको एक अपडेट दिख रहा होगा जहां से आपको ये पता चल पाएगा कि कब आपको 19वीं किस्त की राशि मिलने वाली है। यहां पर देख सकते हैं आपको ये अपडेट दिख रहा होगा अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में मिलने वाली पैसे, अभी जो 18वीं किस्त की राशि आप सभी के बैंक खाते में 5 अक्टूबर को मिला वही पैसे था अगस्त से लेकर नवंबर वाली। इससे पहले यहां पे देख सकते हैं कि अप्रैल से लेकर जुलाई वाले मिला, उससे पहले देख सकते हैं दिसंबर से लेकर मार्च वाला यहां पे मिला था। तो यहां पे देख सकते हैं कि 2023-24 में अगस्त से लेकर नवंबर के बीच वाली पैसे के बाद जो पैसे मिला वह पैसे था दिसंबर से लेकर मार्च के बीच वाली, यानी कि हर 4 महीने में एक किस्त की राशि इस योजना के अंतर्गत 2-2 हजार रुपये दिया जाता है। यानी अगली किस्त की राशि जो आप सभी के बैंक खाता में मिलेगा वो दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में मिलेगा। लेकिन अब ये कब मिलेगा 19वीं किस्त की राशि, इसे जानने के लिए थोड़ा और डिटेल्स जानने के लिए आपको यहां पे देखना पड़ेगा। पीएम किसान योजना का जो शेड्यूल बना हुआ है उसके अनुसार से हर 4 महीने के बाद किसानों के खाते में वित्तीय सहायता की राशि उनके बैंक खाता में दिया जाता है। जैसे कि 18वीं किस्त की राशि आपको मिला, उसके बाद आप सभी को 19वीं किस्त की राशि हस्तांतरित किया जाएगा। अनुमान के मुताबिक यह पैसे, वैसे तो इसका कंफर्म डेट जो फिक्स डेट है उसे पीएम किसान योजना का अगली डेट जब भी जारी होती है, जब मिलना रहता है उससे 8-10 दिन पहले ही जारी किया जाता है। लेकिन अभी एक लंबा समय है जिस वजह से यहाँ पे एक अनुमानित डेट जो सामने निकल के आ रही है वो आप देख सकते हैं कि 19वीं किस्त की राशि जनवरी 2025 के महीने में मिलने की आपको संभावना है। यानी जनवरी के पहले से दूसरे सप्ताह में आपके बैंक खाता में 19वीं किस्त की राशि मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको साफ साफ अपडेट देखने को मिल रहा है 19वीं किस्त की राशि किनको मिलेंगे इस टॉपिक पे बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जिनको 18वीं किस्त की राशि मिल चुका है। यदि 18वीं किस्त की राशि जो 5 अक्टूबर को जारी किया गया था उस समय आपके बैंक खाता में पीएम किसान योजना का 2000 रुपए की किस्त आया है तो 19वीं किस्त की राशि आपको 100% मिलेंगे, उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगली अपडेट यहां पे देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना का पैसे उन्हीं को मिलेगा जिनका केवाईसी किया हुआ है एंड इसके साथ साथ डीबीटी लिंक किया हुआ है, लैंड सीडिंग किया हुआ है, ये सभी चीजें आपका किया हुआ है। पीएम किसान योजना का स्टेटस को आप चेक करके देख सकते हैं। यदि ये तीनों चीजें आपका यस है, बेनिफिशियरी आपने सरेंडर नहीं किए हैं, आप इन एलिजिबल के कैटेगरी में नहीं है, स्टेटस को चेक कर लीजिए। यदि आप टैक्स वगैरह पेमेंट नहीं करते हैं, आपके परिवार में किसी का सरकारी नौकरी नहीं है, आपके परिवार में एक से ज्यादा व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप निफिक्र रहिए, 19वीं किस्त की राशि जब जारी किया जाएगा उस समय आपके बैंक खाता में जरूर आ जाएगा। तो चेक करने के लिए कि कैसे आपको पता चलेगा कि इस योजना का 19वीं किस्त की राशि आपके बैंक खाता में कब मिलेंगे, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट में आपको आना होगा। इसके लिए आपको पीएम किसान लिख के सर्च करना है, पहली वेबसाइट में क्लिक करेंगे तो आप यहां पे आ जाएंगे। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा नो योर स्टेटस, इसमें आपको क्लिक करना है और यहां पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे आपका पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर और यहां पे कैप्चा
फिल करके गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे आपके फोन में ओटीपी जाएगा जिसके माध्यम से आप इसको चेक कर सकते हैं। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर में क्लिक करेंगे अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन नंबर का पता कर सकते हैं। कुछ कॉमेंट आप सभी का आ रहा था कि मोबाइल नंबर गलत है ओटीपी कैसे मिलेगा, तो उनका भी समाधान यहाँ पर है अपडेट मोबाइल नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए ही यह ऑप्शन लाया गया है। जिनका मोबाइल नंबर कोई गलत पड़ गया था उस समय अप्लाई करते समय, या फिर वो मोबाइल नंबर अभी वर्तमान में आपके पास नहीं है जो पड़ा था उस समय जो दिए थे, तो यहाँ पे अपडेट मोबाइल नंबर में क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना मोबाइल नंबर को आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का दो ऑप्शन आपके सामने है, पहला है रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से और दूसरा है आधार नंबर के माध्यम से। आपके पास जो भी अवेलेबल है उसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आपका नया आवेदन में कोई गलती हो गई है, रिजेक्ट वगैरह हो गया, तो उसको कैसे करेक्शन कर सकते हैं। उनका एक ही ऑप्शन है भाई, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, क्या करना है आपको अपडेट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने आधार नंबर को फिल करेंगे, कैप्चा जो नजर आ रहा है यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, आपका डेटा सामने नजर आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर सामने नजर आ जाएगा, उसमें ओटीपी के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन होगा। देन आप जो भी आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स की उसमें कमी की वजह से आपका रिजेक्शन हुआ है, जो भी गलती था उसको आप सुधार कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एंड पीएम किसान योजना से रिलेटेड कोई और परेशानी है, आपके पास कोई और क्वेश्चन है, तो उसे कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिए। आपके टॉपिक पे मैं अगला वीडियो लेके आ जाऊंगा। यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।